रहमान रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं इरम खान। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है इरम, जी इसलिए हम मुस्कुरा भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि सदर उर्दवान का दौरा हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान आए और बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि मुलाकातें भी रहीं और बातचीत भी हुई होगी। तो आपके मौजूद हमारे यही हैं मोर जी। लेस बिल्कुल सर, पहला तो यही है तैयब अर्दोगान साहब का। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम महंगाई, सियासी कशीदगी और इसके साथ जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं उनके दरमियान जो तनाव चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, पहले ये टर्किश प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इनका इनके दौरे के बारे में। देखिए, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें कम अज़ कम दो ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से तो नेशनल कंसेंसस है और बड़े अरसे से है। एक तो हमारे ताल्लुकात चीन के साथ, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पूरे नेशनल अक्रॉस द नेशनल स्पेक्ट्रम एक कंसेंसस है कि हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और इनको हमने आगे बढ़ाना है। दूसरा जो मुल्क है वो तुर्की है। तुर्की के हवाले से भी कभी कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं हुआ और बिलाशुबा लोग सबका इत्तेफाक इसी पे है कि तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है और इसके साथ हमने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। तुर्की का मामला भी कुछ हमारे जैसा ही रहा। हम आज़ाद हुए तो उस वक्त कोल्ड वॉर का ज़माना था। तुर्की और पाकिस्तान और ईरान ने भी बल्कि मिलिट्री अलाइंसेस ज्वाइन किए US के साथ, वेस्टर्न दुनिया के साथ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, टू कंटेन कम्युनिज्म। हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे, हम भारत को कंटेन करना चाहते थे, लेकिन भारत वो जो मिलिट्री अलाइंसेस से हमने उनको भी ज्वाइन किया। फिर इकोनॉमिकली हमने RCD बनाई, ईरान तुर्की और पाकिस्तान रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। वो भी भारत एक अच्छा इनिशिएटिव था उस जमाने में। फिर कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद वो मिलिट्री अलाइंसेस उनकी तो कोई अहमियत नहीं रही, उससे पहले ही एक्चुअली ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब कोल्ड वॉर का ज़माना ख़त्म हुआ तो फिर भी तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी बाकी रही, क्योंकि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। क्योंकि आपको पता ही है, तारीख अगर लोगों ने पढ़ी है कि बरसग़ीर के मुसलमानों ने खिलाफत तो जो उस्मानिया खिलाफत को बड़ा सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वन के बाद। और फिर जब तुर्कियों ने फैसला कर लिया तो फिर भारत हमें भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ा रिपब्लिक के तौर पे। तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, तो इस वजह से, और एक बरादराना ताल्लुकात हैं। अगर आप तुर्की जाते भी हैं तो आपको एहसास भी होता है, और तुर्की जब तुर्की से जब लोग आते हैं यहाँ पे तो उनको भी एहसास होता है कि ख़ास एक बॉन्ड है हमारा, जिसको भारत ने बहुत कोशिश की कि ये बॉन्ड कोई कमज़ोर हो, वीकन हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर तुर्की की तारीख भी बदकिस्मती के साथ हमारी तारीख जैसी रही। वहाँ भी मिलिट्री डिक्टेटर्स आते रहे कभी कभार, कुछ बीच में फिर बादशाहत का सिस्टम वहाँ पे चलता रहा। बादशाहत के बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, नहीं सॉरी मैं ईरान के साथ कंफ्यूज कर गया, देखिए। तो वो जो है बुनियादी तौर पे मिलिट्री डिक्टेटर्स आते रहे, फिर भारत डेमोक्रेसी आई, और उसके बाद हमारा जो है हमारे मुल्क में भी यही हालात रहे। तो उर्दवान साहब के आने से मैं समझता हूँ कि, और उससे पहले भी जो कुछ ऐसे लोग थे जिनका इंक्लिनेशन थी इस्लाम की तरफ, या आप कह लिए कि ब्रदरहुड पॉलिटिकल इस्लाम की तरफ, तो उर्दवान साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो इस्लामिक कॉजेज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके बारे में बहुत वोकल हैं, बोलते हैं और कोई दकीका फरोगजाश नहीं करते। ही डजंट मिंस हिज वर्ड्स, चाहे वो जम्मू और कश्मीर का मामला हो या चचनिया का मामला हो या कोई और मामला हो, उसमें अपनी राय का इजहार बरमला करते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि हम सब लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो हमारा ख्याल ये होता है कि बस सब कुछ छोड़ के तुर्की के साथ हम मिल जाएं। सर,
سے وزیر اعظم خود بہت جذبات ہیں، انہوں نے تو صدر کو یہ بھی کہہ دیا سید اردوان صاحب کو کہ اگر آپ پاکستان میں الیکشن لڑیں گے تو آپ کلین سویپ کر جائیں گے. ہاں سویپ کر جائیں گے، تو وہ تو خیر چلیں مذاکر انہوں نے کہہ دیا، لیکن آج میں سوشل میڈیا میں کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ ترکی ہمارا دوست ہے، باقی جو یہ سعودی عرب یو اے ای وغیرہ کو چھوڑیے، ہمیں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنی چاہیے ترکی کے ساتھ اور اپنا ایک الگ بلاک بنانا چاہیے، جس طرح ملیشیا کوالالمپور سمٹ بھی آپ کو یاد ہوگا ہوئی، تو یہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے. بالکل میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن فارن پالیسی میں تھوڑا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے چیزوں کا کہ آپ کے انٹرسٹ کہاں پہ ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا، یہ جو ہائی کونسل اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل جو بنی ہے 2009 میں بنی تھی، اور آج کل جو اس کا اردوان صاحب آئے صدر اردوان، تو یہ 6th میٹنگ تھی، حالانکہ ہر سال ہونی چاہیے. بالکل لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکی. تو یہ اب جو یہ ہر سال ہوتی ہے، یہ کیبینٹ لیول کی میٹنگ، انٹر گورنمنٹل میٹنگ ہوتی ہے. اب آپ سبسٹینس پہ اگر آئیے تو ہمارے تعلقات میں سبسٹینس کیا ہے. ابھی تک دیکھیے، ہم نے 2009 میں جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کونسل کی، تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم تجارت کو بڑھائیں گے. تجارت تو کوئی خاص بڑی نہیں، مطلب 500-600 ملین ڈالر کی ٹوٹل ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو 1 بلین تک لے جائیں اور پھر اگلے 5-6 سالوں میں 5 بلین تک کریں. اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ہم مینوفیکچر کرتے ہیں یا وہی ہیں جو ترکی کرتا ہے، ان کی بھی ایکسپورٹس وہی ہیں، مورلس ہماری بھی وہی ہیں ٹیکسٹائلز وغیرہ میں، اور پھر اگر فوڈ آئٹمز میں آپ دیکھ لیں، ایگریکلچرل سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں. لیکن بہرحال ترکی ہم سے بہت آگے ہے، اس میں قطن کوئی شک نہیں ہے. ترکی ایک رائزنگ اکانومی تو ہے، کیونکہ انہوں نے کنسٹرکشن میں بہت کام کیا ہے، خاص طور پہ ٹوریزم میں بہت ان کا انفراسٹرکچر بڑا زبردست ہے، اور خاص طور پہ کنسٹرکشن میں اگر آپ دیکھیے تو کولڈ وار کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹا تو سینٹرل ایشیا میں اگر آپ جائیے تو تاجکستان سے لے کر آذربائیجان تک آپ کو ٹرکش کمپنیز نظر آئیں گی، کنسٹرکشن کمپنیز جو وہاں پہ بے شمار انہوں نے انفراسٹرکچر. ہمارے یہاں بھی اگر آپ دیکھیے تو موٹر وے جو ریجنل آئیڈیا تھا انہیں کا، نواز شریف صاحب کے زمانے میں ترکی کی مدد سے ہی ہم نے یہ سب وے اپنا موٹر وے بنائی. تو ترکی کا ان معاملات میں بڑا ایکسپیرینس ہے. پھر وزیر اعظم نے ٹھیک کہا کہ ہم ان دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ ترکی سے سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے گین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو اب تعلق ہے یہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو انہانس کرنا چاہیے، اور ہر ایریا میں خاص طور پہ دیکھیے نا، مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آج ایک معاہدہ ٹی آر ٹی اور پی ٹی وی کے درمیان بھی ہوا، اسی طرح ریڈیو پاکستان اور ان کے جو ریڈیو ہے اس کے درمیان، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایم او یو اس سے پہلے بھی یہ سائن ہو چکے ہیں. مطلب اس پہ کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوتا. جو ایم او یو تو سائن ہو جاتے ہیں، پھر اس کا جو فالو اپ ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. یہ اس آج کے جو پوری جو وزٹ تھا اس میں کوئی نئی چیز نہیں نظر آئی مجھے. سر ایک اور چیز جو کہ رومرز ہیں، ابھی تک ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ سچ ہے حقیقت ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے آفیشلی نہیں سنا، وہ ہے ویزا پالیسی کے بارے میں کہ رینیو کر رہے شاید ترکی ہمارے لیے، اس میں کس حد تک صداقت. ویزا تو ہو جائے گا، ویزا دیکھیں نا، ابھی بھی آفیشیل اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ تو آپ کو ویزا نہیں چاہیے ہوتا اگر آپ ترکی جاتے ہیں تو، لیکن عام لوگوں کے لیے بھارت ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ ویزا آن ارائیول ہو جاتا ہے تو دیٹ وڈ بی گڈ، کہ اگر 3 مہینے کے لیے کوئی بندہ جا رہا ہے پاکستان سے، وہاں سے کوئی آ رہا ہے تو آن ارائیول ویزا مل جائے. اور ڈوئل نیشنلٹی والا جو ایشو، ڈوئل نیشنلٹی کا ذرا کمپلیکس ایشو ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ڈوئل نیشنلٹی آٹومیٹیکلی تو نہیں مل جاتی نا. مثال کے طور پر ہمارا اس وقت کامن ویلتھ کنٹریز ہیں جتنے، برطانیہ کو آپ لے لیجیے، برطانیہ کے ساتھ ہمارا ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے، لیکن آپ برطانیہ کا ویزا حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیول نیشنلٹی مل جائے گی. آپ وہاں جائیں گے، کام کریں گے، کو 5-7-10 سال عرصہ رہیں گے، تب پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اس نیشنلٹی کے لیے. تو یہ ڈیول نیشنلٹی کا ذرا معاملہ ذرا کمپلیکس ہے. پاکستانی کتنے وہاں رہتے ہیں ترکی میں یہ بھی دیکھنا ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ جیسے آپ نے پہلے بات کی، بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، لوگ بڑے خوش ہیں گے ہمیں ویزا مل جائے گا، اور ہم جیسے بس ترکی ہمارے انتظار میں بیٹھے ہم جائیں گے اور جائیں ہم وزٹ. ٹوریزم تو ابھی پاکستان سے بہت ہو رہا ہے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں رہتے بھی ہیں، استنبول میں خاص طور پہ ایسے لوگ ہیں، لیکن تعداد کم ہے، لیکن ٹوریزم پاکستان سے ہے. لیکن اس طرف سے ٹوریزم ترکی سے ابھی نہیں ہے،
इतना ज्यादा, तो हमें भी प्रमोट करना चाहिए और बड़ा जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ है मकामात देखने के लिए टर्की के लिए। बिल्कुल। दूसरा जो हम देख रहे थे कि अर्तुरुल जो एक ड्रामा था उसका भी अब उसको डबिंग करके उस उर्दू में उसको भी वो चलाएंगे पीटीवी पे। सो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का असल में तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, इसमें कतन कोई शक नहीं है, और हमें इन ताल्लुकात को मुख्तलिफ डायमेंशन में प्रमोट भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पर FTA का कहते हैं कि FTA साइन कर लें, ये आज की बात नहीं है, 2009 से चल रहा है कि FTA साइन करें, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा क्योंकि बहुत इकोनॉमिक हमारी मुश्किलात है ना। अगर हम FTA तुर्की के साथ भी कर लेंगे तो फिर तो तुर्की की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हमारे यहाँ आ जाएंगी, तो हमारी पहली जो इंडस्ट्री है उसका बड़ा गर्क हुआ हुआ है, तो वो तो और अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो हमें इस वक्त थोड़ा सा मोहतात अंदाज से आगे बढ़ना है। लेकिन $5 अरब तक जो है तिजारत का हजम बढ़ाने का मुआहदा हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नहीं समझता कि इतना आसान होगा। इन्हें पहले भी हम इस किस्म के MOU साइन कर चुके हैं कि 5 अरब तक बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती इसके साथ वो ब्यूरोक्रेटिक जो है ना मामलात ऐसे हैं कि वो मामला आगे बढ़ते नहीं है चीजें। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम जज्बात में आके साइन तो कर लेते हैं MOUs, लेकिन उनकी जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं होते। अब मिसाल के तौर पर देखिए ना, हमें ये बड़ी एहतियात के साथ काम लेना है। कश्मीर पे कुछ पहली दफा आज अर्दोगान साहब ने नहीं सपोर्ट किया, जब भी वो आते हैं या हमारे साथ डिक्लेरेशन आप पुराने सारे उठा के पढ़ लीजिए, कश्मीर का जिक्र है, वो कहते हैं कि UN रेजोल्यूशन के तहत हल होना चाहिए और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो कहते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी और UN के रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना चाहिए। ये अगर आप 2009 का डिक्लेरेशन उठाएंगे तो उसमें भी आपको यही लैंग्वेज मिलेगी, और आज 2020 के डिक्लेरेशन में भी वही लैंग्वेज मिलेगी। अब वो PTI के लोग कहेंगे हमें बड़ी सपोर्ट मिलगी, लेकिन ये सपोर्ट क्योंकि ये रिलेशनशिप का नया रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मैंने पहले कहा इस पर कंसेंसस है पाकिस्तानियों का कि ताल्लुक हमारे लिए है और हम इसको आगे बढ़ाना है, तो इसलिए ये एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये कोई आज का एक वाकया नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। बाकी थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि तुर्की की देखें ना इस वक्त लीबिया में जो है वो तकरीबन रशिया के खिलाफ भी इकदाम ले रहा है इदलिब में, और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वो भी खुश नहीं है। शाम में भी जिस तरह इसी तरह सीरिया में भी जो है उसकी पॉलिसी जो है थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ी बहुत हमें तुर्की के साथ बिल्कुल हमें गले मिलकर रहना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ये जीरो सम गेम नहीं है, इधर और की बात नहीं है। हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, दूसरे गल्फ कंट्रीज के साथ, उनकी अपनी अहमियत और बहुत अहमियत है, तो ये हम नहीं इस वक्त क्योंकि हमारी अपनी पोजीशन अंदर से बहुत वीक है, इकोनॉमिकली हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे ये तासुर मिले कि भाई हम बस अब तुर्की के साथ खड़े हैं या मलेशिया के साथ खड़े हैं और हमें कोई अब लेना देना नहीं है सऊदी अरब से या दूसरे ममालिक से। ये अप्रोच गलत है। मैं समझता हूँ कि हमारी कैपेसिटी है और होनी चाहिए कि हम तमाम उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात को फरोग दें जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हैं। कुछ ताल्लुकात तो वो होते हैं ना जो कि पेरिफेरल लेवल पे होते हैं, उनका कोई स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ ताल्लुकात जिस तरह तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, UAE है, ये वो ताल्लुकात हैं इंटरस्टेट जो कि हमारे इंटरेस्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए हर कदम जो है वो बड़ी एहतियात के साथ हमने उठाना है। बहरहाल वी आर ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट अर्दोगान। मेरे ख्याल आज प्राइम मिनिस्टर ने कहीं उनको प्रेसिडेंट अर्दोगान कह दिया, तो ये जरा थोड़ा सा उनकी टीम को चाहिए था कि उनको बता देते कि नाम प्रोनाउंस किस तरह करते हैं उनके। अर्दोगान है, वो गाफ जो है ना बीच में वो नहीं है, उसको प्रोनाउंस नहीं करते। तो ये बहरहाल ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोटोकॉल के लिहाज से। तो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो उसमें उन्होंने ये इस तरह उन्होंने प्रोनाउंस किया उनका नाम। बहरहाल हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक इट वॉज अ गुड विजिट, और ये हमें इससे मजीद आगे अब कोशिश ही करनी चाहिए कि हर साल जो हाई काउंसिल है उसकी मीटिंग हो ताकि जो भी फैसले आज हुए हैं मालूम हो कि हम उनको परसू कर रहे हैं, वो कहीं हवा में मुअल्लक ना हो जाएं कहीं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हर साल अब ये इसको एक कॉन्टिन्यूटी के साथ हो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स रहे हैं, कभी धरने हो गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो उस वजह से कॉन्टिन्यूटी नहीं रही बदकिस्मती के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं
कि जो आज एमओयू साइन हुए हैं, अभी डिक्लेरेशन अभी हमने देखा नहीं है क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुआ, जब वो आएगा तो उससे मजीद मालूम पड़ेगा कि क्या बातें डिस्कस हुई हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं विद द नेक्स्ट वन ईयर और फाइव ईयर्स और टेन ईयर्स। सो लेट्स वेट फॉर द डिक्लेरेशन टू कम आउट। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक और से वापस आके हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी बहरान के बारे में। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस बंद कराने पे इत्तेफाक शायद हो गया है क्योंकि नैब एक पुरसरार खामोशी में है इस वक्त, अब किसी तरह की कोई तस्दीक या तरदीक नहीं की जा रही है। तो ये सुनने में आ रहा है कि शायद जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केस है कि केपी हुकूमत में रहते हुए जब उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था और 74 घंटों के अंदर 18,000 किलोमीटर तक उन्होंने उस पर सफर करके हुकूमत के खजाने को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब नैब शायद इंटरेस्टेड नहीं है और केस बंद होने जा रहा है। तो अच्छा है केस तो बंद हुआ ना यार, कितने हुकूमत के केसेस बंद हुए। हाँ चले, कुछ तो केसेस बंद हुए ना हुकूमत के ही सही, जब दूसरी हुकूमत आएगी तो उनके ही बंद हो जाएंगे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा, ये वाले खुल जाएंगे, फिर ये वाले खुल जाएंगे, तो ये तो सिलसिला चलता रहता है। बाहर जो पार्लियामेंट में जो उस रोज हुआ ना अब्दुल कादिर पटेल साहब के दरमियान और मुराद सईद साहब के दरमियान जो गुफ्तगू शनीद हुई, मतलब हॉरिबल, उस पर तो ऐसा मुझे अफसोस हुआ कि किस किस्म की जुबान, किस किस्म के मतलब इंसिन्यूएशन, समझ नहीं आती कि क्या हो गया हमारे मुल्क में। और मुझे तो अब पार्लियामेंट जो है ना, इन्होंने खुद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अपना मजाक खुद बना के रखा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि इनको वो इज्जत भी दें और इनको उस पेडस्टल पे बिठाएं जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, लेकिन ये खुद नहीं चाहते कि इनकी कोई इज्जत करे। सच्ची बात तो यही है। अच्छा, मैंने जब अब्दुल कादिर पटेल का देखा और उसके बाद से मुराद सईद साहब ने भी लफाजी की, तो मैंने एक ट्वीट किया कि ये क्या है, मतलब इतना नीचे भी हमारी पार्लियामेंटेरियंस गिर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई सरप्राइज नहीं है और ये जो है ठीक है, ये पाकिस्तान में इस तरह ही होता रहा है। तो एक साहब ने मुझे जवाब दिया कि सर ये आप गलत बात कर रहे हैं, मुराद सईद ने ठीक बात की है, तो शुरुआत तो पटेल साहब ने की थी। तो मैंने फिर उसको उनको जवाब दिया कि डीएम किया, मैंने कहा कि हर चीज का जवाब देना क्या जरूरी होता है, और फिर उसी अंदाज में अगर पटेल साहब ने वो गलत बात कर ली थी और गलत की थी तो पहले तो उनको असेंबली से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, असेंबली स्पीकर साहब को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या जरूरी था कि मुराद सईद उसका जवाब भी देते और वो भी उसी अंदाज से देते जो अंदाज उनका था। तो बाज़ औक़ात बेहतर होता है चीज़ों को, जो बड़े दिल के लोग होते हैं, जो वाकई सही मानों में सियासतदान होते हैं ना, वो फिर चीज़ों को देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बाहर लोग देख रहे हैं, बराह रास्त दिखाया जा रहा है पीटीवी से, बाकी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, तो उसका लोग क्या असर लेंगे। तो आप खामोश हो जाते, आप अगर जवाब देना ही था तो आप कोई तहजीब के दायरे के अंदर रहकर कोई बात कर लेते। जरूरी है कि आप भी तकाजा होता है, आप उसका भी लिहाज कर सकते हैं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत। तो ये देखिए ना, जिसका जो नजर आ रहा है, एक अजीब सी सूरत हाल है। हर कोई ये समझता है कि जितना वो ऊंची आवाज से बोलेगा और एब्यूसिव होगा तो शायद प्राइम मिनिस्टर को रजिस्टर हो जाता है, या अवाम बड़ा पसंद करते हैं, अवाम तो वाकई पसंद करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, अवाम भी मजे लेते हैं हमारी, वो सारी जो है ना उनकी वीडियो वायरल हो जाती है, मिलियंस एंड मिलियंस के व्यूज इन लोगों को मिलते हैं, तो शायद अवाम भी अब यही है मामला। वो मैंने बल्कि यहाँ पे मेंशन करता चलूं कि हमारा जो सिस्टम है ना, वो बहुत खराब हो चुका है। एक दो टर्म्स हैं अंग्रेजी की, प्लूटोक्रेसी और प्लूटोनोमी। प्लूटोनोमी जो है, प्लूटोक्रेसी वो चीज़ होती है कि जो हमारे जो सियासतदान हैं, ये प्लूटोक्रेट्स हैं सारे, क्योंकि ये जो हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेमोक्रेसी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह प्लूटोनोमी जो है, वो जितने भी हमारे रिच लोग हैं, वो सियासतदान और जो है, बल्कि वो जो हमारे वेल्दी रिच लोग हैं, वो सियासत में भी हैं, और जो सियासत करने वाले हैं वो बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो जमींदार भी हैं, या बड़े बड़े आप कह लीजिए कि सेठ लोग हैं सारे। तो ये जब मिलाप हो जाता है ना प्लूटोक्रेसी का और प्लूटोनोमी का,
उसमें फिर जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो सारी शैम डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, उसमें फिर वो अक्सर जो मेजर्स होते हैं वो बस उन्हीं को ही बुनियादी तौर पे, मैं ये नहीं कहता, बुनियादी तौर पे फिर जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपनी जेबें भरनी हैं, अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को ठीक रखना है, और उस प्रोसेस में अगर आवाम को कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है तो ठीक है। तो इस वक्त हमारा जो मुल्क है ना, अगर आप पार्लियामेंट की सारी देखिए, इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, एक्सेप्शंस हैं इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो वही लोग हैं जो खाते पीते हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है अगर वो पार्लियामेंट में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनकी ज़िंदगी है वो ठीक चल रही है, उनको उनका कोई मसाइल भी नहीं है, ना चीनी से फ़र्क पड़ता है ना आटे से फ़र्क पड़ता है। अब देखिए ना, अब मिसाल के तौर पर आटे का बहरान आया था, आटे का बहरान आया, जरदारी साहब को क्या फ़र्क पड़ता है, बिलावल को क्या फ़र्क पड़ता है, जहांगीर तरीन साहब को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोग वो लोग हैं जिनको जिन्होंने डेमोक्रेसी को भी इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए बुनियादी तौर पे। तो अब बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि शायद अब ये सिस्टम जो है अपनी अफादियत खो चुका है, एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न, बाकी तो इससे बेहतर और कोई सिस्टम है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद शायद अगले 5-10 सालों में हमें रिविजिट करना पड़े सारे सिस्टम को, ठीक है, और शायद जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ना मौलाना फजल रहमान साहब फिर तशरीफ ला रहे हैं, आप उनके फजल रहमान के बारे में इमरान खान का वो कहते हैं गद्दारी का आर्टिकल 6 के तहत उनके मुकदमा, लेकिन अगर वजीर आजम ने कह दिया है तो फिर तो होगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो पहले आर्टिकल 6 के खिलाफ लोगों के जो मुकदमात चले वो कहाँ पे गए, मतलब वो कहाँ हैं। हम तो वो जो है पहले मुशर्रफ साहब का वो फारिग हो गया केस, ठीक है ना जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि भी जाने दें इसको, ये तो है ही नहीं, केस बनता ही नहीं है, इसको बंद करें। उसके बाद सानिया माले टाउन का जो मजाक बनाया जा रहा है, अब JIT पे मामलात आके रुक गए हैं कि तीसरी बननी है कि दूसरी से काम चलाना है। सही। अब सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 3 माह दिए हैं कि आप इसमें फैसला करें। ये वाकया कब हुआ था, 2014 में मेरे ख्याल में जी। अब देखिए इसको भी 6 साल होने को आ गए हैं और सारे अमाल टाउन का भी फैसला JIT पे होना है, अभी फैसला कुछ होना नहीं है, अभी JIT पे मामलात रुके हुए हैं। तो ये मुल्क है जहाँ पे इंसाफ नहीं मिल सकता। वो एक और इंटरेस्टिंग बात इसी बात पे, मौलाना फजल रहमान के पद पे अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि हुकूमत में से किसी का कोई इरादा ही नहीं है कि वो किसी के खिलाफ कोई इस तरह का केस करे। क्या मतलब, तो फिर मौलाना फजल रहमान जो है ना वो चाहे तो 1 साल तक भी धरना दे सकते हैं, हुकूमत किसी के खिलाफ कोई केस करने का इरादा नहीं। लेकिन धरने पे तो नहीं ना, वो तो बुनियादी तौर पर जो केस इमरान खान साहब ने कहा है ना, अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने कहा है कि हुकूमत किसी पे कोई केस करने का इरादा नहीं रखती। ये एक और आपस में शायद इन लोगों ने फिर कम्युनिकेट नहीं किया और बयानबाजी कर दी। अब ये तो देखे ना, चूंकि वो कुछ जर्नलिस्ट से मिले उसमें उन्होंने बात कर दी, तो ये सिलसिले चलते रहेंगे ना, कोई केस चलेगा। मौलाना साहब अब 23 फरवरी को कराची जाएंगे, वहां पे जलसा करेंगे, फिर इस्लामाबाद आएंगे, तो एक तमाशा लगा हुआ है। होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे, वही वाली बात है। तो ये तमाशा लगा हुआ है, फजल रहमान के खिलाफ अगर आर्टिकल 6 में केस कर भी देंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। हमने देखा है कि केसेस तो यहां सदियां सदियां चलते रहे, कुछ उनका रिजल्ट नतीजा तो निकलता नहीं है, या तो ये होना कि नतीजा निकल आए कोई, तो वो जो नतज भी निकलते हैं फिर वो भी जो है सारा जो है ना, मिसाल के तौर पर जुल्फ़ार अली भुट्टो को कत्ल करवा दिया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, बाज़ अवत उस किस्म के नतज भी निकल आते हैं जो कि सारी कौम बाद में फिर रिग्रेट करती है। उन किस्म के फैसलों से भी हमने जांच छुड़ानी है। तो यहाँ मामला ये है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशनस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे पार्लियामेंट हो, ऐसे खराब मामलात हो चुके हैं कि न जाने किस तरह ये ठीक होगा। तो और इस मामले में मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियन से बड़ी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है, लेकिन वहाँ पे एहसास ही नहीं है कि कितने जिम्मेदारियाँ उन पे, और अगर इस किस्म की जहाँ जुगतबाजी होगी, जुगतबाजी चले एक मुनासिब हद तक हो तो वो ठीक भी है और होती भी है और उससे एक अच्छा तासुर ही मिलता है, लेकिन इस किस्म की फोहश किस्म की यू नो जुगतबाजी तो किसी तौर भी, और जिस तरह हमारे स्पीकर ने कहा आसद कैसर साहब ने कि जो ईवान का जो तकद्दस है उसको पामाल करने के बराबर है, इसलिए वो सारे अल्फाज हज़फ़ किए जाएंगे। हज़फ़ कर लें आप, लेकिन भारत दुनिया ने तो सुन भी लिया, देख भी लिया, रिकॉर्ड भी हो गया, अब क्या फ़ायदा। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद लेंगे आपकी कॉल।
वेलकम बैक नाजीन। अभी हम कुछ बात कर रहे थे स्टूडियो में, इससे पहले कि सर हम अपनी कॉल लें, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तैयब उर्दवान साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र तो किया, लेकिन क्या भारत का जिक्र किया? CAA जो पाकिस्तान जो मुस्लिम उमा का मसला फिलहाल बना हुआ है कि जो भारत में मुसलमान स्टक हैं इस टाइम, क्या उनका जिक्र हुआ? नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया ना कि जो तनाज़ा है उसको, वो तनाज़ा है पाकिस्तान का और कश्मीरियों का, उनको हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो बार बार जिक्र करते हैं मुसलमानों का, मुस्लिम उम्मा की यूनिटी का, तो क्या उन्होंने भारत में मौजूद मुसलमानों का जिक्र किया? नहीं, उनका जिक्र तो नहीं किया मेरे ख्याल में, और वो शायद जरूरत भी नहीं थी। हमारा फोकस कश्मीरी रहना चाहिए, हमें क्या जरूरत थी कि हम जिक्र करें? अच्छा है कि नहीं क्या मेरे हिसाब से तो, और अगर कश्मीर पे फोकस है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो है भारत के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक ठाक हैं, ट्रेड बहुत ज़्यादा है उनका आपस में, और लेकिन ये चीज़ हमें बॉदर नहीं करनी चाहिए। सो लॉन्ग एज हम अपने हमारी अपनी ट्रेजेक्ट्री है, हमें मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हमें मालूम है कि जो जो वार्म्थ है दोनों ममालिक के दरमियान और दोनों अवाम के दरमियान दोनों साइड पे, उसका मुकाबला नहीं हो सकता, वो भारत के साथ नहीं कर सकते। वो के भारत में भी मुस्लिम है, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत पाकिस्तान का एक खास ये सॉफ्ट कॉर्नर तो है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो इरम, अस्सलाम वालेकुम। बाकी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस सर मैं ये बात करना चाह रही थी कि वो कराची में जस्टिस साहब ना वो नाजायज तजावजात तो गिरा रहे हैं, भाई तुम कराची साफ ही करवा लो, बनाना तो बहुत मुश्किल है, बिगाड़ना तो बहुत आसान है, तुम तोड़े जाओ तुम साफ तो करो। यही लाहौर में वजीर आला साहब से गुजारिश है कि आप भाई कुछ तो करो, कोई सफाई करवा लो, अगर तुम्हारे बस में कुछ नहीं तो सफाई करवा लो, लाहौर ही साफ कर लो, कराची साफ कर लो, तुम कुछ ना कुछ तो मसरूफ हो जाओ। तोड़ने के लिए तो है कि भाई ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, कुछ बना भी लो। आजकल तो सीमेंट ईटे हर चीज इतनी महंगी है, गरीब का गुजारा हो रहा है उसका, चलने दो। तुम अच्छा काम ना करो, बुरा ही करते रहो। अच्छा, वो बात कर रही हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा है ना गुलजार अहमद साहब ने कि ये जो कराची सर्कुलर रेलवे है किस जमाने में बड़ा काम करती थी ये, लेकिन ख़त्म हो गई। अब उसके जो ट्रैक है वहाँ पे लोगों ने कब्जे कर लिए, घर बना लिए, बिल्डिंग्स बन गई, तो अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई ये तो जाती है, एक सर्कुलर रेलवे हुआ करती थी तो उसको दोबारा उसको बहाल होना चाहिए। तो अब 3 माह का अरसा दिया है। अब शेख रशीद साहब भी परेशान हैं, असद उमर भी परेशान हैं, वो कहते हैं 3 माह में तो हो नहीं सकता। तो पहले इस्तीफा जेब में दिए, तो वो जेब में तो अच्छा है कि इस्तीफा दे ही दें, और असद उमर साहब को इंचार्ज बना देते हैं रेलवे का भी, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि 3 माह में नहीं हो सकता। शेख रशीद साहब कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर करेंगे। कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है, असद उमर से याद आया कि असद उमर साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। वो तो वापस कहाँ आ रहे हैं, एज फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। मैं तो आई विल बी हैप्पी कि अगर वो आ जाते हैं, कम अज कम इलेक्टेड तो है ना, और वो पार्लियामेंट में जवाबदेह भी होंगे आके, तो मुझे तो अच्छी खुशी होगी कि अगर कोई इलेक्टेड बंदा फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, कोई इलेक्टेड बंदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाए, कोई इलेक्टेड बंदा ये इंटीरियर मिनिस्टर अपना जो है कॉमर्स मिनिस्टर बन जाए। नहीं, गलत बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि इलेक्टेड लोग जितना सामने आएंगे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी उतना बेहतर होगा। बिल्कुल सर, लेकिन ये अपने आप को अकाउंटेबल समझते नहीं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फातिमा बोल रही हूँ लाहौर से। जी फातिमा साहिबा फरमाइए। दो बातें कहना चाहती हूँ सर। एक तो थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम सुन रही थी, उसमें ये कंपेयर अक्सर टीवी प्रोग्राम से मैंने ये सुना, कहते हैं कि जी वजीर आजम को आस पास लोग उनके जो है सही खबरें नहीं देते, जब लोग अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं, खासतौर पर जो इस तरह के प्रोग्राम सड़कों पर जाकर कर रहे होते हैं वो। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि क्या आज मीडिया के इस ताकतवर दौर में किसी वजीर आजम को जरूरत है कि किसी फर्द बाहर से खबर ले? मीडिया पे सब कुछ नजर आ रहा है, वो वहाँ से खबरें क्यों नहीं देखते थे लोग किस तरह की जो है मुश्किल को सह रहे हैं? दूसरी बात ये कि कश्मीर के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, आपके एक भाई हैं कुदरतुल्ला शहाब मरहूम, उनकी किताब है शहाब नाम, उसमें उन्होंने 3 मवाक़े ऐसे लिखे हैं कि जब कश्मीर आज़ादी के पास था, जबकि हम पाकिस्तानियों की गलत जो है हिकमत अमली की वजह से वो आज की आजाद भुगत रहे हैं, जब 1948 में
हम अकवामी मुतहदा में थे, आजाद कश्मीर का एक हिस्सा आजाद हो चुका था जिसे हम कहते हैं, और दूसरा वहां चला गया, जंग बंदी हो गई, फिर अयूब खान का दौर था, एक चीज का सॉरी इस वक्त मेरे जेन से निकल गया, तो हम ये मुनाफ़त कब छोड़ेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा। जहाँ तक देखिए पहली बात है ना, अच्छी जो हुकूमतें होती हैं या वहाँ पे बड़ा एक सिस्टम होता है कि सुबह सुबह वज़ीर आज़म साहब को या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको एक ब्रीफिंग मिलती है कि भई ये कल हुआ या आज ये हो रहा है, मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, इस तरह तो पूरा उनको अपडेट किया जाता है रोज। अब यहाँ पे हमारे यहाँ भी सिस्टम्स तो हैं, प्रोसीजर्स हमने इवॉल्व किए हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम इस वक्त के आज हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो कितना सुबह ब्रीफिंग लेते हैं, हर सुबह उठते हैं और पहला काम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं या नहीं देखते? न्यूज़पेपर चले ना भी देखें, लेकिन जो इनको इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से आती है उसी को अगर या उनसे ब्रीफिंग ले लें वो भी ठीक है, ताकि दिन का आगाज हो तो उनको पता हो कि कल क्या हुआ, रात क्या टॉक शो में क्या डिस्कशन हुई, क्या इस वक्त मसाइल हैं। तो मुझे नहीं मालूम सच्ची बात है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो है और हम कई बार आवाज़ पाकिस्तान से अपने जज्बात और ख्यालात का भी इजहार करते रहे हैं। जहाँ तक 48 की बात है, ये भी बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। बारामूला तक आ गए थे हमारे कबायली लोग, बारामूला जो है सिर्फ दूर है 35 मील दूर था श्रीनगर जो एयरफील्ड थी, अगर ये वहाँ तक कबायली आ जाते और श्रीनगर एयरफील्ड पे कब्जा कर लेते तो आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर मकबूजा ना होता, वो भी हमारा हिस्सा होता। बस वो एक गलती हुई स्ट्रेटेजिक, शी इज एब्सोल्युटली राइट। अगर वो ना हो, अगर वो रुक ना जाते, वो किन वजूहात पे रुके उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन अगर वो जो है वहाँ पे, क्योंकि जब भारत ने अपनी फौजें भिजवाई ना, ज़मीनी रास्ता तो कोई था नहीं ऐसा, तो वो अक्टूबर का महीना भी था, तो उन्होंने सारा फिर एयर लिफ्टिंग की, तो वहाँ से जो लोग आए फिर उन्होंने उससे श्रीनगर एयरफील्ड का इस्तेमाल किया, तो अगर वो हमारे कब्जे में आ जाती तो फिर न फौजें आ सकती थीं भारत। और आज बारामूला भारत के सबसे बड़ा गढ़ है फौज का, एक लाहौर से कॉलर है सर। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर चौधरी बशीर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी चौधरी साहब फरमाइए। सर इस तरह है कि शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की हर चैनल पर इतने इतने समझदार, इतने इतने होशियार लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के हम ही सियाने हैं। ठीक, हम उनमें अच्छा, नहीं हैं, हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा, लेकिन देखें जो मुल्क 70 से स्टार्ट किया उन्होंने, मसलन 70 से ये दुबई वाले देखें, सऊदीया वाले देखें, इनकी जो झोपड़ियाँ थी वो आम लोगों ने जाकर उखाड़ी हैं, लकड़ी की बनी हुई थी, तो वो लोग आप कहाँ चलेंगे? और हमारे जो वजीर आजम या वजीर दफा हैं या बड़े बड़े हमारे लीडर, उनके खादमों के उनके मुलाजमों के अकामे लगवा कर तो उनके वहाँ जाते हैं, कितने होशियारी के होने के बावजूद हमारी कौम आज भूखी क्यों है? वो तो देखिए ना चौधरी साहब, हमने पहले ही अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में डिस्कस कर लिया था कि जो सारा हमारा सिस्टम है इस वक्त वो कब्जे में है, कुछ चंद अफराद कुछ चंद फैमिलीज के कब्जे में है। जब तक हम इसको सही मानों में जमहूरी नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ये हालात रहेंगे बदकिस्मती के साथ। मुझे तो कोई खास कोई तब्दीली नजर होते हुए नहीं आ रही। तो आपको आवाम की तरफ से कोई कू होता नजर आता? आवाम की तरफ से अगर आ भी जाएगा तो यही लोग फिर आ जाएंगे ना, मसला ये है। जब तक मिडिल क्लास आगे नहीं आएगी और हुकूमत की जो है ना, जब उस तक जो पूरा सियासी हमारा निज़ाम है उसमें मिडिल क्लास के लोग नहीं आएंगे, तब तक ये मामलात इस तरह ही चलते रहेंगे। एक ज़माने में देखिए MQM बनी थी, मैं 1985 की बात कर रहा हूँ, ज़माने में लोग बहुत एक्साइटेड थे और होना भी चाहिए था क्योंकि मिडिल क्लास के लोग थे और वो उनसे तवक्को थी कि वो अपने आप को एथनिक बुनियादों से हटा के पूरे पाकिस्तान में अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे, लेकिन वो फिर राह से हट गए, फिर वो बाहर की जो कुव्वतें हैं बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलने लगे, तो सारा वो ने जो एक पार्टी बनी थी जिसने भी पीपल्स पार्टी का, तो देखे ना भुट्टो साहब कोई मिडिल क्लास के जो आदमी नहीं है, वो तो वडेरे थे, तो उनसे हम तवक्कोआत नहीं रखते, ना वडेरों से तवक्कोआत कोई रखिए ना इंडस्ट्रियलिस्ट से,
ये आते हैं तो पहले अपने इंटरेस्ट को ये करते हैं मजबूत, उसके बाद छोटा मोटा जो होता है ना क्रम्स जो होते हैं वो दे देते हैं नीचे भी आवाम को भी, लेकिन जो पूरा सिस्टम हमारा है उसमें इस वक्त मुझे कोई खास तब्दीली की तवक्को नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हम पे इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं मैं नहीं समझता कि वो इस वो चाहते हैं कि कोई स्टेटस को तब्दील हो। इन मसाइल का मसला पता ही नहीं कि पाकिस्तान ये स्टेटस को की फोर्सेस हैं, सब कुछ पता है, ऐसी बात नहीं है, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टेड इन हालात से गुजरे नहीं, उनको वो सूट नहीं करता ना, ठीक है, जो उनको सूट करता है, जो उनकी औलाद को सूट करता है, उनकी आने वाली नस्लों को सूट करता है, वो काम वो करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि इस जमहूरी इस निजाम से कोई पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, मुझे नहीं लगता। ठीक है, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कॉल ड्रॉप हुई। तो ये जो है इसमें एक अक्सर लोग कहते हैं कि एक पॉज देना चाहिए, पॉलिटिकल पॉज, एक 5 से 10 साल एक ऐसी हकूमत आनी चाहिए टेक्नोक्रेट्स की, बिल्कुल आनी चाहिए, और जो कि तमाम मामलात को एक दफा ठीक कर दे, तो फिर हम एक नया पॉलिटिकल नेता। टैलेंट की तो कमी है नहीं ना, एजुकेटेड लोगों की कमी है, नहीं, लोग तो हैं, लेकिन किस तरह हो ना, दैट इज द प्रॉब्लम, कौन लेकर आएगा, किस तरह होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसकी गारंटी कौन देगा, ये भी एक बहुत इतना आसान नहीं होता। सही कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, जी फरमाइए जी सर। अब्दुल बासित सर, मैं मंसूर हसन बात कर रहा हूँ जामशरों से। मैंने ये बात करनी थी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा हुआ था, ये बर्दगान साहब तशरीफ लाए हैं 2 दिन का, जी जी, तो मीडिया पर कोई इतनी खास कवरेज नहीं हो सकी है, और ये देखें कि कोई ऐसी मीडिया पर प्रोग्राम भी नहीं हुए, जो मुआहदे हुए उनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए वो भी नहीं बताया गया, तो अभी देखें कि वो जब यहाँ से गए हैं तो तब भी कोई इतनी खास कवरेज नहीं है मीडिया पे। नहीं, मीडिया पे तो मेरे ख्याल में लाइव दिखाते रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वजीर आजम की और सदर साहब की, वो तो लाइव हमने देखी है खुद। अब प्रोग्राम्स नहीं होते ये अलग बात है, हमने तो अपने पहले सेगमेंट में डिस्कशन की है उसके ऊपर, और हमने कोशिश की है कि उसको हम पर्सपेक्टिव में लेकर आएं उस विजिट को। टर्की इम्पॉर्टेंट विजिट था, इसमें कोई शक नहीं है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि कुआलालंपुर समिट में हमारे वज़ीर आज़म नहीं जा सके थे, और फिर कश्मीर पे और FATF वगैरह में टर्की की हमें बड़ी सपोर्ट है इस वक्त, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी थोड़ी बहुत टर्की हमें सपोर्ट करता है, तो टर्की इज़ एन इम्पॉर्टेंट, फिर नेटो का मेम्बर भी है, ये भी साथ आप याद रखिए, तो टर्की इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, तो विजिट तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक कवरेज मिल गई। ठीक है, कॉलर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, उस्मान बशीर लाहौर से बात कर रही हूँ मैं। जी जी फरमाइए। सर मैं 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जैसे कि आपने फरमाया कि जब तक की हुकूमत में कोई मिडिल क्लास को रोल नहीं दिया जाता। सर व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, ठीक है, आई एम नियर 28-29 राइट नाउ, बट तब ये कहा जाता था कि ये हमारे नौजवान, तब मेरा जब 10-11 साल उम्र हुई है, हमारे नौजवान ये वो, हर मरतबा नौजवानों को धोखा दिया जाता है। अब हमसे आगे वाली जो आने वाली नस्ल है उनको धोखा देने के लिए दीज पीपल आर रेडी, ठीक है। और दूसरी बात सर, 82-80 से, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ इन टॉपिक्स पे डिस्कस करती रहती हूँ, ही ऑफन यूज टू टॉक अबाउट के 80 की दहाई से पाकिस्तान बदनाम होना शुरू हुआ है ऑन इंटरनेशनल लेवल, लेकिन वहाँ पे जो हमारे सुफरा हैं वो ये समझते हैं कि जी हमारी पक्की नौकरियां लगी हुई हैं और हमें कोई पूछने वाला नहीं है, वो कोई रोल प्ले नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारे इस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं बाहर के कंट्रीज में विजिट वगैरह के, लेकिन वो इस चीज को बॉदर ही नहीं करते कि पाकिस्तान का हम कोई इमेज उजागर कर लें, चलो कोई कॉन्फ्रेंस ही अटेंड कर लें पाकिस्तान पे, कश्मीर पे, किसी चीज पे बारे में बात करें। और तीसरी बात ये सर, ये इतने अरसे से जो पाकिस्तान की आवाम को एहसास कमतरी का शिकार रखा गया और जानबूझ के अनपढ़ रखा गया, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी लाई गई है ताकि कोई डिमांड ना कर सके। आप उज्मा बोल रही हैं ना? जी उज्मा बशीर। जी बिल्कुल, मेरा असल में थ्रोट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मैं इस तरह की आवाज बोल रही हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू उज्मा, आपका बहुत शुक्रिया, आप कॉल करती हैं। अब मैं किसका बंदा क्या जवाब दे, बातें तो जो भी उन्होंने कही हैं ठीक कही हैं। हम कहते हैं ना कि आने वाली नस्ल हमारे मुस्तकबिल का, लेकिन सर यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं आने वाले नस्लों के लिए, वो उधार देने पे हैं, कर्ज देने पे, कर्ज तो आप इतने मकरूज हो चुके हैं कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों की खैर करे, हम आने वाली नस्लों को भी कर्ज ही दिए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि अब रिको डेक से हम सारा कर्जा उतरवाएंगे, वहाँ पे जो गोल्ड और कॉपर है ना
उसको हम बेचेंगे या उनको हम जो भी है उसका बंदोबस्त करके चलें, ये भी देख लेते हैं। अगर खुदा करे ऐसा कोई हो जाए मामला तो नथिंग लाइक दैट। अगर हमें $100 बिलियन का इस वक्त पाकिस्तान कर्जे में है तो अगर खत्म हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी आवाज़ से भी नवाज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।